तो चला गया था पुलिस में, 2 दिन वो लॉकअप में रहा है इस घर, उनको जाके अब्बा ने भाइयों ने इन्होंने छुड़ाया है। क्या होता वो केस आगे चल जाता, ये डिपोर्ट हो जाते। क्यों छुड़ाया शौहर को? इसलिए ना कि फिर अपना मुस्तकबिल भी देखना था, तो ये बात पहले समझा रहा था जब वो तब सोच लेती कुछ भी करती। आप वो सपोर्टर जो है सितारा के, वो सही कहते आ रहे हैं आज तक कि भाई आप अपने घर में सॉल्व करती। सपोर्टर जो है सितारा के, वो सही कहते आ रहे हैं आज तक कि भाई आप सपोर्टर जो है सितारा के, वो सही कहते आ रहे हैं आज तक कि भाई आप अपने घर में सॉल्व करती। जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बिल्कुल, और अब क्या, घर में इनमें सॉल्व कर। हम, मैं सलमा साहिबा को कहना चाह रही हूँ आज इस पैनल से, आप जो कुछ कर रही है आपके शौहर ने, बहरहाल वो कितना भी बुरा सही, लेकिन उसने आपको सही बातें की थी कि नकाब मत उतारो, बेपर्दा मत हो, मेरी बच्चियों को, जवान बच्चों को वर्दी पे लेके मत आओ, यूट्यूब से पैसा नहीं चाहिए मुझे, ये सब आप हरम की हदूद में रह के आप बच्चियों को दिखा, आप मस्जिद नबी जाती है ब्लॉग बनाने, आप इबादत करने नहीं जाती। यस, दिस इज व्हाट वी हैव बीन सेइंग। Finally, you admit we were, right? पूरे रमजान आपने ये तमाशा लगाया, आपकी क्या नियत है आप Exactly. लोगों की, व्लॉगिंग करना? आप व्लॉग करते हैं रोजे रसूल पे जाके, व्लॉगिंग करते हैं आप लोग, जाके इबादत है आदमी की मजाक, नजर नहीं उठती, कुछ याद नहीं इबादत को भी रहता आदमी मजाक को, बना रहे, बना लिया है इबादत को आप भी इन लोग, और लोगों आप ने नकाब मजाक खोल बना खोल दिया के हुआ है। बच्चियों को बेपर्दे चेहरे दिखा के, अपना चेहरा दिखा के वहां पे आप बेपर्दा होके वीडियोस बनाती हैं। मुझे बता दे क्या इस नबी करीम ने पर्दे का हुक्म नहीं दिया हुआ आपको? आप खुद भी बेपर्दा हुई हैं अपनी बच्चियों को आप, और इससे आप पैसा कमा।